पुणी एक नुआ सप्ताह एवं पुणी सारा दुनिया रा आउ एक नुआ एपिसोड। नमस्कार, मु निहारिका स्वागत करुछि हमर ग्लोबल न्यूज रा कार्यक्रम सारा दुनिया को। एही सप्ताह रे भी विश्व रे घटी जाइछि अनेक घटना, तबे सबुठारु फोकस रे एबे भी रहिछि युद्ध। रूस युक्रेन रे जारी रहितबा युद्ध हेउ बा ताइवान सीमा रे चीन रो युद्ध प्रस्तुति हेउ, सबु उपरे रहिछि आमर नजर। तेबे एमिति अनेक किछि खबर को नै चालंतु आरंभ करिबा सारा दुनिया। रूस युक्रेन युद्ध को 6 मास रु ऊर्ध समय होइ जाइछि, हेले एबे भी जारी रहिछि युद्ध। युद्धर प्रकोप कम नुहे बरंग बढ़िबार लागिछि। रूस युक्रेन उपरे आक्रमण को आहुरी भयंकर करिबा परि मन हेउथिबा बेले बहु शीघ्र रूस परमाणु आक्रमण मध्य करि पारे बोली चेतावनी देइछि अमेरिका। तबे एपरी परिस्थिति रे न्यूक्लियर वार को नै चिंता रे एबे विश्व समुदाय। विश्व रे आरंभ हेबो कि न्यूक्लियर वार, युक्रेन उपरे रूस रा परमाणु आक्रमण, चेतावनी देला अमेरिका। परमाणु आक्रमण को नहीं बढ़ुची आशंका। युक्रेन उपरे रूस रा आक्रमण को टपिलाणी 6 मास, यारी भितरे युक्रेन प्रति विपद कमीबा परिवर्ते बढ़िबार लागिछि। काम देउनी उभय देश मध्यरे कौनसी भी चुक्ति। रूस युक्रेन उपरे एक बड़ धरणर आक्रमण करिपारे बोली एबे चेताई सारिछि अमेरिका। 24 अगस्त रे युक्रेन रा स्वाधीनता दिवस अवसर रे रूस रा एक आत्मघाती रॉकेट आक्रमण रे 25 रो अधिक युक्रेनियन को मृत्यु घटिछि। स्वाधीनता दिवस रे युक्रेन उपरे एपरी टारगेट हेबा परे राष्ट्रपति जेलेंस्की एहा को नै कड़ा प्रतिक्रिया देथिले। तबे एते दिन धरी रूस को सामना करबा परे वर्तमान आस्ते आस्ते युक्रेन वासी एवं सेना माने मानसिक और शारीरिक स्तर रे दुर्बल हेबार लागलेनी। तबे ए परिस्थिति रे रूस युक्रेन उपरे परमाणु अटैक करबा नै कीव रे थिबा अमेरिका दूतावास जारी करिछि हाई अलर्ट, जहाँ को नै बढ़िछि भय। एतिरे कुहा जाइछि जे आगामी दिन रे युक्रेन उपरे रूस परमाणु आक्रमण करि पारे। युक्रेन राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की आगामी विपद विषय रे जानिबा परे आतंकित होइतिबार मध्य कुहा जाउछि। से तांको संबोधन रे कहिछंती एही सप्ताह रे रूस किछि निष्ठुर पदक्षेप ग्रहण करि पारे। तेबे पूर्वरु एहा को दृष्टि रे रखी युक्रेन लोकंकु स्वाधीनता दिवस अवसर रे कार्यक्रम आयोजन न करबाकु परामर्श देइतिला अमेरिका। युक्रेन रे रहुथिबा अमेरिकीय मानकु मध्य तुरंत देश छाडिबाकु अमेरिका सरकार चेतावनी देइछंती। जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल आंटोनियो गुटेरेस न्यूक्लियर वार को नै चेतावनी देइछंती। युद्ध बढ़ुची लोकंक जीवन जाउची, हेले थमुनी रूस युक्रेन युद्ध। एहा सहित मुद्रास्फीति और शक्ति संकट जटिल होबार लागिछि। तेबे 6 मासर युक्रेन युद्ध परे पश्चिम राष्ट्रमानक सबु धारणा भूल प्रमाणित होइछि। युद्ध आरंभ पूर्वरु संभाव्य युद्ध को नै पश्चिम राष्ट्रमाने भाबुथिले जे रूस भीषण आर्थिक समस्यार सम्मुखीन होई आक्रमणरु ओहरिजीव, किंतु सेमिति किछि भी होइनी। युद्धरु ओहरिबा त दूरर कथा, बरंग रूस युद्ध को आहुरी तीव्र करिबारे लागिछि। दिनकु दिन रूस युक्रेन युद्ध भयानक हेबारे लागिछि। युद्ध बढ़ुछि, लोकंक जीवन जाउछि। इतिमध्यरे युद्ध को 6 मास होइगलाणी, हेले थमिबार ना धरुनी। केवल सेतिके नुहे, मुद्रास्फीति ओ शक्ति संकट जटिल हेबारे लागिछि। तेबे 6 मासर युक्रेन युद्ध परे पश्चिम राष्ट्रमानंक सबु धारणा भूल प्रमाणित होइछि। युद्ध आरंभ पूर्वरु संभाव्य युद्ध को नै वाशिंगटन ओ युरोपरे लोके भाबुथिले जे रूस भीषण आर्थिक समस्यार सम्मुखीन होइ युक्रेन आक्रमणरु ओहरिजीव। सेमाने मध्य विश्वास करुथिले जे दुर्बल घरोइ अर्थनीति द्वारा पुटिन चापग्रस्त अनुभव करिबे, किंतु एबे एहार ओलटा फल देखिबा को मिलिछि। युक्रेन युद्ध आरंभ हेबा परे रूसियार सामरिक शक्ति और अर्थनीति को ताच्छल्य करी अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र माने
रूस उपरे नाना कटकणा जारी करथिले। रूस मात्र 4 रु 6 सप्ताह भितरे अति भयानक आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेब बोली धरिनेइ पश्चिम राष्ट्रमाने रूस को केवल गोटे परे गोटे चेतावनी देउथिले। यूरोपरे मुद्रा स्थिति और शक्ति संकट जटिल होबार लागिछि। तैल विद्युत ग्यास और कोईला आदि पाई रूस उपरे निर्भर करुथिबा यूरोपीय राष्ट्रमाने एबे प्रबल चापरे रहिछन्ति। आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहिथिले जे से रूबल को रबल करिदेबे, तेबे युद्धर मात्र 8 सप्ताह परे रूबल पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली होइथिला। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन एबे तांको युक्रेन रणनीति को बदलाई युद्ध को अति मंथर कर केतेबेले परिस्थिति संपूर्ण स्वाभाविक रहुथिबा बेले आउ केतेबेले योजनाबद्ध टार्गेट करे युक्रेन रो गोटिए परे गोटिए प्रतिष्ठान को ध्वंस करुछन्ति। युक्रेन को रूस सेना सह लड़िबा पाई अमेरिका और यार मित्र राष्ट्र माने अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र जोगाई देवा द्वारा युद्ध केवल लंबी चली, किंतु युक्रेन दुर्दशार अंत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। गोटिए पटे निजर विस्तारवादी नीति को नहीं चीन विश्वर विभिन्न देश द्वारा समालोचित होबार लागिछि, तथापि निजर भूल सुधारिबा को चाहूनी चीन। अन्यपटे चीन रो अर्थनीति को लागिछि बड़ धक्का। एहारी भितरे चीन रे जलवायु परिवर्तन समस्या देखा जाइथिबारु अत्यधिक गरम जोगु हीट वेव रे संतुलित हेउछन्ती चीनवासी। तबे देशर एपरी अवस्था को संभालिबारे असमर्थ चीन सरकार। चीन अवस्था सांघातिक हेलानी, जनता भी अड़ुआरे आउ सरकार भी। निजर दोगला पणिया पाई चर्चारे रहुथिबा चीन एथर संधुआसी आक्रमण शिकार होइछि। खरा पाई लोके डहल विकल हेलेनी, बिजुली अभाव आउ हीट वेव पाई संतुली हेउछन्ती जनता। अनेक वित्तीय अनुष्ठान एबे बंद हेबा उपरे पश्चिमांचल रे प्रबल गरम आउ एपटे बिजुली संकट। पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु किछि दिन हीटवेव लागि रेड आलर्ट जारी होछि। चीनवासी एबे नाही नथिबा असुविधा रे पड़िछन्ति। हीटवेव कारणरु बिजुलीर चाहिदा पूर्व तुलनारे खूब अधिक बढ़िछि। केवल सेतिक नुहे, वर्षार परिमाण कम हेबो बोली पाणिपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा पूर्वानुमान कराइछि। बोझ उपरे नलिता बिड़ा भली प्रत्यमान हेउछि एहि पूर्वानुमान। आकलन सत हेले देशर उत्कट मरुडी परिस्थिति सृष्टि हेबो। एहि कारणरु सरकार और लोकमानंक निद हजि जाइछि। कृषि मंत्रालय पक्षरु कुहा जाइछि जे भीषण गरम हेउथिबा कारणरु धान और मक्का भली अन्य फसल नष्ट होइ सारिलानि, तेणु आगामी दिनरे एहि अंचलरे खाद्यान्न संकट देखा जिबार जथेष्ट आशंका रहिछि। चीन रो पाणिपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि गत सप्ताह रे चीन चोगिंग और सिंजिया राज्य रे 45 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। एहि कारणरु एहि अंचल रे 500 रु अधिक शॉपिंग मॉल रे बिजुली अभाव देखा जाइथिला। विदेशी गणमाध्यम रिपोर्ट कहिछि शॉपिंग मॉल और कमर्शियल सेंटर गुड़िक भीषण गरम और बिजुली अभाव को आखि आगरे रखि कम्युनिस्ट सरकार पक्षरु एगुड़ी को खोलिबा नै नुआ टाइम स्लॉट दि जाइछि। बिजुली अभाव कारणरु बैटरी तयारी कंपनी गुड़िकर काम बंद हेबाकु बसिलानि। कार निर्माण कंपनी टोयोटार काम मध्य आंशिक भावे बंद हो जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। वर्तमान समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी रा समय। विज्ञान बलरे वर्तमान दुनिया रे किछि भी संभव होई पारुछि। तबे निकटरे जर्मन रे हाइड्रोजन ट्रेन बा हाइड्रोजन द्वारा चालित ट्रेन रो शुभारंभ होईछि। ग्रीन एनर्जी माध्यम रे परिवहन दिगरे एपरि व्यवस्था प्रस्तुत करिवरे जर्मनी विश्वर प्रथम देश भाबरे रेकर्ड सृष्टि करिछि। विज्ञानर चमत्कारिता गड़िला विश्वर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, इतिहास रचिला जर्मनी। आगको ह्रास पाइब जैव इंधन उपरे निर्भरशीलता, परिवेश पाई पलटिब आशीर्वाद। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या साहाज्यरे एहि मनीष गोटिए परे गोटिए असाध्य कार्य को सहज करि चलिछि। अन्य सबु क्षेत्र परि गमनागमन क्षेत्र रे मध्य विज्ञान जोगु अनेक चमत्कार कथा घटिबार देखिबा को मिलुछि। सेई परि एक चमत्कार हेउछि हाइड्रोजन बा उज्जैन चालित ट्रेन। निकटरे जर्मनी रे विश्वर प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन रो उद्घाटन होइछि। 4 वर्ष पूर्वे यार परीक्षण आरंभ होइथिला।
सबुज शक्ति बा ग्रीन एनर्जी माध्यम परिवहन दिगरे एपरी व्यवस्था प्रस्तुत करिबारे जर्मनी विश्वर प्रथम देश भावरे रेकर्ड सृष्टि करिछि। तेबे फ्रांसर आल्स्टम कंपानी जर्मनी को एपरी 14 ट्रेन जोगाइछि जहाँकि डीजेल चालित ट्रेन रो स्थान नेइछि। जर्मनी रो बक्सहावेन, बर्मर हावेन, ब्रेमर भोयरेट एवं हम्बर्ग निकट बक्सटेहुडे को जोड़ुथिबा प्राय 1000 किलोमीटर ट्राक रे एई ट्रेन गुड़िक हाइड्रोजन ईंधन रे चालिबो। सूचना अनुजाई रेलवाई रो मालिक एलबीएनजी एवं आल्स्टम मध्यरे 53 न्यूत यूरो रो चुक्ति साक्षर होइछि। 14 ट्रेन मध्यरु 5 ट्रेन रो एहा मध्यरे शुभारंभ होइ सारिछि, परे बाकी सबु ट्रेन चलाचल करिबो। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन प्राय 4.5 किलोग्राम डीजल ईंधन सहित समान। एही ट्रेन गुड़िक कौनसी प्रदूषण करिबो नाही, केवल अल्प शब्द सृष्टि करिबा सहित बाष्प एवं बाष्पीभूत जल निर्गत करिबो एही हाइड्रोजन चालित ट्रेन। ट्रेन गुड़िक 1.6 मिलियन लिटर डीजल संचय करिबो एवं एहिपरि CO2 निर्गमन को 1 वर्ष रे 4,400 टन को ह्रास करिबो। एही प्रकल्पर मोट मूल्य प्राय 93 न्यूत यूरो बोली जना पड़िछि। एही ट्रेन रो बेग रहिछि घंटा प्रति सर्वाधिक 140 किलोमीटर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद दौड़े थिबा इंडियन ओरिजिन रो ऋषि सुनक भारत ब्रिटेन रो संपर्क को नै प्रतिक्रिया देछंती। भारत ब्रिटेन मध्यरे संपर्क आहुरी अधिक अभिवृद्धि हेबाने मत देछंती सुनक। ब्रिटेन रे भारतर छात्र मानक उच्च शिक्षा सहित चाकरी क्षेत्र रे भल सुजोग मिलिबा दिगरे सकारात्मक परिवर्तन आसिबा दिगरे चिंता करा जाउछि बोली कहिछंती सुनक। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ୟୁକେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଋଷି ସୁନକ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ ଆଗରେ ଥିବା ଋଷି ସୁନକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହ ବ୍ରିଟେନର ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବା ଓ ଉଭୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପରସ୍ପର ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଭାରତଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ୟୁକେର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯିବା ସହଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଭାରତ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁନକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୟୁକେର କମ୍ପାନୀମାନେ ଏକା ସହିତ କାମ କରିବା ସହଜ ହେଉ, ଏକତରଫା ବାଣିଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୀନଠାରୁ ବିପଦ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବ୍ରିଟେନ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଚୀନଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଭାରତ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତର ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ISIS ଆକ୍ରମଣର ମସୁଧା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ରୁଷିଆରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବୟାନରୁ ସେ ଆଗକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାର ମସୁଧା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କିପରି ଆଉ କିଏ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଇଏସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ନେତା, ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରୁଷିଆରେ ଅଟକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆତଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇ ଆସିଛି ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍। ନା ଆଜମ ମାସାହନ୍ତ ଜନ୍ମ 1992 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ତୁର୍କୀରେ ଆତଙ୍କବାଦର ତାଲିମ, ତାପରେ ମିଶନ ଭାରତ, ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆ ବାଟ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିବାର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଭାରତରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍।
ଏହାପରେ ଭାରତର କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତା ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସବୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ। ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଧରିଲା ରୁଷ। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମାନିଛି। ତେବେ ସେ ଉଜବେକ୍ ଭାଷାରେ କହୁଥିବାରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ରୁଷର ଫେଡେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ଏନେଇ ରୁଷ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପୁଟନିକ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ ଶାସନ ଦଳରେ ଥିବା ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଫଏସଏବିର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ବମର ନିଜ ଦେହରେ ବୋମା ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜ ଦେହରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜି ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଏସ୍ ନେତାମାନେ ତୁର୍କୀରେ ନିଜ ସଂଗଠନରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶାଖାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୁର୍କୀରେ ଜଣେ ଆଏସ୍ ନେତା ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ମିଟିଂ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। Azamat Mashrakhan Tohur oğlu 1992 году в апреле 2022 год дал байат Амиру исламские государства по имя Юсуф Таджики। ରୁଷିଆରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବୟାନରୁ ସେ ଆଗକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାର ମସୁଧାରେ ଥିବା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ନୂପୁର ଶର୍ମା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ 10 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଆଏସ୍। ଏବେ ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତୁର୍କୀ। ସେଠାରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।